बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग, मीन कंस्ट्रक्ट स्क्वेयर पी क्यू आर एस सच दैट मेयर आर एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो आर एस साइड है ना स्क्वेयर की, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब आपने ये स्क्वेयर ड्रॉ करना है। यानी इस तरह का ये रफ मैंने बनाया है। स्क्वेयर का नाम लेट रख लो पी क्यू आर एस, और ये इसकी एक साइड गिवन है आर एस, ये उन्होंने बताया 4 सेंटीमीटर है। अब हम इसी स्क्वेयर को नीट बनाएंगे, और सबसे पहले ये साइड हम ड्रॉ करेंगे आर एस 4 सेंटीमीटर। जी, हमने इस तरह से स्क्वेयर रख लिया है, ये 0 से लेके 4 सेंटीमीटर, 4 और 0 पे हमने निशान लगा लिया, और इन दोनों को अब हमने मिलाना है, तो ये एक साइड बन गई 4 सेंटीमीटर, और इसका नाम वही रखेंगे जो हमने रफ वर्क में रखा था, आर एस साइड इज 4 सेंटीमीटर। नाउ यू विल ड्रॉ एंगल ऑफ 90 डिग्री ओवर हेयर, मीन या आर पे 90 का एंगल बना लें या एस पे, जिस पे मर्जी बना लें। जी, मैं आर पे एंगल बनाने के लिए इतनी को कंपस खोल लूंगा, मीन ये 4 सेंटीमीटर, उसके हाफ 2 से भी कम, यानी चाहे 1 सेंटीमीटर कंपस आप ओपन कर लीजिए, और ये इस तरह से आपने एक आर्क लगा देनी है। ये देखिए, सॉरी, ये जी हमने आर्क लगा दी। ये आर्क इस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहां रख के आपने ये एंगल बनाया, ये बना 60 का, और फिर इसको आगे रख के आपने 60 का मोर बनाना है, ये बन गया 120 का। अब 120 का और 60 का आपने बाइसेक्ट करना है, यानी हाफ इधर रख के आर्क लगाई और 120 पे रख के आर्क लगाई, ये एंगल बना 90 का। अब यहां स्केल रख के आपने एक लाइन ऊपर को ये ड्रॉ कर देनी है, और इसकी लेंथ जो है ना इस 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, और इसका नाम हमने लेट इधर रख दिया एक्स, मीन आर एक्स एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जो 90 का एंगल बना रही है इधर इस वाली साइड से, और ये हमारे पास स्क्वेयर की एक साइड बन गई, और ये दूसरी साइड बनी जिसके दरमियान एंगल 90 का है। अच्छा जी, जब ये एक लाइन बन गई तो आपने फिर इतनी ही कंपस खोल लेनी है जितनी ये आर एस है, और यहाँ से आपने आर पे रख के ऊपर को एक आर्क लगा देनी है, और इसी तरह एस पे रख के भी एक आर्क ऊपर को लगा देनी है, ये बड़ी लगा दें, और इस तरह ये एक पॉइंट बन गया हमारे पास। अब इधर रख के आप ऐसे आर्क लगाएंगे तो ये हमारा स्क्वेयर तैयार हो गया, क्योंकि ये इसका नाम हमने रखना था पी, इसका नाम रखना था हमने क्यू आर एस। अब आपने इस पी को ज्वाइन कर देना है क्यू से भी और फिर एस से, तो स्क्वेयर बन जाएगा। ये ज्वाइन करते वक्त देखना है ये पॉइंट बिल्कुल ठीक रखा हुआ हो, ये पॉइंट भी इधर टच करे, कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं इधर आके। ले जी, ये देखें हमारा पॉइंट एग्जैक्टली ये पी को भी ये लाइन टच कर रही है और इधर क्यू को भी, और इसी तरह ये पी और एस को आपने ज्वाइन किया, तो ये स्क्वेयर प्रिपेयर हो गया आपका।